the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Exploring what I need, cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I tell her off, you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making nexus from the pressure. Lessons after lessons, had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only with solo, I'm solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. हेलो गाइस, होप यू आर गुड। सो मैं आया हूँ पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे बेसिकली एक कैंपेन चल रहा है, मिशन ग्रीन मुंबई। सो वहाँ पे एक संस्था है, वो लोग क्या करते हैं कि मैंगो सीड्स जो होते हैं, जो मेरे साथ में लेके आया हूँ, मैंगो सीड्स। तो मैंगो सीड्स जो होते हैं वो वहाँ पे वो लोग ग्रो करते हैं मैंगो ट्रीज। एक मिशन है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, 1 लाख मैंगो ट्रीज ग्रो करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो भी ये मिशन ग्रीन मुंबई इंस्टीट्यूट है उसका। तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब से और चैनल के माध्यम से। तो आज मैं डोनेट करने जा रहा हूँ मेरे घर पे जो भी सीड्स मैंने बचा के रखे हुए थे, मैंगो सीड्स, तो मैं डोनेट कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस से। वो है थाने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे वो लोग एक पूरा विलेज एरिया है, फार्म एरिया है, वहाँ पे वो लोग ग्रो करने वाले हैं। पूरे 1 लाख ट्री का एक कैंपेन चल रहा है, टारगेट है उन लोग का, मिशन ग्रीन मुंबई का। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एनवायरमेंट सेव करने के लिए जो हम ऐसे ह्यूमन एफर्ट डाल सकें, वो अपनी तरफ से बेस्ट दे सके। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे पीछे पोस्ट ऑफिस है, मेरे घर के नज़दीक ही है। तो लेट्स सी, ये मैंने कल कॉल किया था मिशन ग्रीन मुंबई इंस्टीट्यूट में, तो उन लोगों ने बोला कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 20 डेज के अंदर हमको सीड्स भेजने पड़ते हैं और ग्रो करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी चाय बन चुकी है। ये कुल्हड़ में चाय आज पीने का मन हो गया। ये कुल्हड़ में यहाँ पे चाय की शॉप में मिलता है, तो वहाँ से लाया था। एक बार प्रेक्ष को ले गया था, तो प्रेक्ष को इसमें पीने का मन हुआ, तो मुझे लगा चलो अच्छा है, कुल्हड़ में चाय पीने से मज़ा आता है, थोड़ा मिट्टी का स्वाद लगता है। तो ये है हमारा छोटा सा ऑफिस, यहाँ पे वर्क चल रहा है, अभी थोड़ा सा ब्रेक है तो बीच में चाय बना लिया। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि इतनी चाय नहीं है, ये हमारे पास दूसरी चाय पड़ी है, जिसको हम बहुत ही आराम से पेशेंसली स्पून से इसमें डालेंगे और बाद में कुल्हड़ से पियेंगे। तो ये छोटा सा ब्रेक है। और ये पीछे मेरा ग्रास बालकनी में है, और वहाँ पे पेड़ पौधे प्लांट्स थोड़े दिख रहे होंगे आपको, तो बहुत ही कम है अभी, थोड़ा और लाने हैं ताकि बहुत ही ग्रीनरी हो सके। और मुझे ग्रीनरी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे इनफैक्ट सभी को, पूजा को, प्रेक्ष को काफ़ी अच्छा लगता है।
हेलो फ्रेंड्स। अभी तक काफ़ी अच्छा दिन रहा और अभी ऑफिस के कॉल्स भी हैं, तो मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ आज के दिन के लास्ट वीडियो में। सुबह अच्छा जिम हुआ और अभी कल साइकिलिंग करूँगा, तो चेंजेस ऑलवेज अच्छे लगते रहते हैं कि हर रोज़ आप एक न एक चीज़ करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो कभी साइकिलिंग, कभी जिम, कभी योगा, तो ऐसे करता रहता हूँ और अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात आज हुई कि मैंगो सीड्स जो मैंने बात किया था, तो मैंने पार्सल किया मिशन मुंबई कैंपेन में, तो मन को काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने एनवायरनमेंट सेव करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। आप भी बढ़ाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, बिलीव मी, बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप कुछ एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, बिकॉज़ एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करता है। जैसे आप कहीं पे जाओगे दोपहर में कड़ी धूप में, तो आप ट्रीज ढूंढोगे, राइट? तो कहीं भी ट्री मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे नीचे 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं या फिर अपने व्हीकल्स खड़े रखते हैं, तो वो टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आपको धूप भी नहीं लगती और ऐसा लगता है कि हमारे सर पे किसी का बहुत बड़ा हाथ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिलीव मी, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए एनवायरनमेंट सेव करने के लिए। आपको अभी अच्छा लगेगा, उसके आने वाले कुछ सालों में आपको और ज़्यादा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा और हम एनवायरनमेंट में अच्छे से एन्जॉय कर पाएंगे, राइट? तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप भी कुछ ट्रीज़ ग्रो करने के बारे में सोचिए, आपने अपने एरिया में भी सोचा होगा कैसे कर सकते हैं, और अपने आसपास के एरियाज़ में लोगों को मोटिवेट कीजिए, आपके दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, साथ में ट्रीज़ ग्रो कीजिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बिलीव मी, और बहुत ही सुकून मिलता है। तो अभी ये अच्छे अच्छे काम हुए, आगे जाके और अच्छे अच्छे काम करता रहूँगा, और आज के दिन के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉग क्लोज करता हूँ। अभी ऑफिस कॉल्स भी है, तो इसके लिए अभी तक के लिए थैंक यू बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स। सो वी विल गेट कनेक्टेड, राइट? सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, टेक केयर।